नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। अभी मैं अपने घर के छत में हूं और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। पीछे आप जो देख रहे हैं मालगाड़ी लगा हुआ है। ये जो जगह है ये राजमहल है। आप पीछे मालगाड़ी देख सकते हैं। आपको मैं अभी अच्छा से दिखाने का प्रयास करूँगा। और मालगाड़ी में गिट्टी लोड हो रहा है। ये गिट्टी राजमहल से बाहर जाता है। अभी मैं आप लोग को प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मालगाड़ी लोड होता है उसका दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप वहाँ पे देखिए, उस स्थान पे वहाँ पे देखिए, आपको एक जेसीबी नज़र आएगा। उस जेसीबी के द्वारा भी गिट्टी लोड किया जा रहा है। एक जेसीबी आपको वहाँ पे नज़र आएगा, आप देख सकते हैं। और एक जेसीबी आपको वहाँ पे नज़र आएगा। तीन जेसीबी है और भी आगे जेसीबी होगा। तो यहाँ से देखिए आप, आपको परफेक्ट पता चल रहा होगा, यहाँ पे मालगाड़ी में गिट्टी लोड हो रहा है। और इस एरिया में तो जेसीबी के द्वारा गिट्टी लोड हो रहा है। वहाँ पे आगे, वहाँ पे आप देखने का प्रयास कीजिएगा उस जगह पे। अभी मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा, अभी वहाँ से मैं आप वीडियो बना के दिखाऊँगा। वहाँ पे आदमी लोग गिट्टी लोड कर रहा है और उन लोग से पूछने पर पता चला कि एक जो बोगी है, एक को जिसको बोलते हैं, उसको लोड करने का पहले 3000 रुपया दिया जाता था। और आप वो जगह देखिए, वहाँ पे सिंगित लान है और उसके पीछे जस्ट आपको नज़र आ रहा होगा एक नदी है। उस नदी का नाम है गंगा नदी। और हल्का हल्का पता चल रहा है वहाँ पे एक जहाज आ रही है। वो जहाज आपको मानिकचक से आती है राजमहल के बीच में। राजमहल बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए, दार्शनिक जगह है। आप वहाँ पे रोड देख सकते हैं उस जगह पे, वहाँ पे रोड है। और इस रोड के द्वारा आप आगे वहाँ पे जाइएगा तो वो हम लोग का राजमहल का स्टेशन है। वहाँ पे राजमहल स्टेशन है, वहाँ पे ट्रेन लगती है। वहाँ भी मैं अभी जाऊँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा स्टेशन का दृश्य। और ये मालगाड़ी है और पीछे मेरा घर है। मैं अपना घर भी एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगा स्टेशन के पास। वहाँ से भी दृश्य मैं दिखाऊँगा। और पीछे गंगा नदी है, आप वहाँ देख सकते हैं, गंगा माँ है। राजमहल में यह नदी है। राजमहल साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है जो कि झारखंड में है। पीछे आप देखिए, यहाँ पे एक पानी का टंकी है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से पानी सप्लाई होता है। ये बड़ का पेड़ है और वहाँ पे जो है वो जगह आपका जेके हाई स्कूल बोला जाता है उसको। वो स्कूल है, वहाँ से हम लोग पढ़ के बड़े हुए हैं और यहीं से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। ये अगल बगल का दृश्य आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको फिर घुमा करके ले जाता हूँ स्टेशन के पास। आप देखिए वीडियो को, एंजॉय कीजिए। और अभी मैं नीचे चलता हूँ, इसके बाद मैं आपको नीचे से दिखाऊंगा दृश्य। अभी मैं यहाँ पे एरिया पे आ गया हूँ और आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ का दृश्य देखिए और कमेंट करके बताइए आप। आप यहाँ पे देखिए किस तरह से जेसीबी के द्वारा मालगाड़ी को लोड किया जा रहा है। यहाँ पे आदमी लोड नहीं कर रहा है, यहाँ पे जेसीबी के द्वारा लोड किया जा रहा है। आप यहाँ पर नीचे देखिए, वाइट कलर का आपको बालू भी नज़र आ रहा होगा। अभी यहाँ पर गिट्टी लोड हो रहा है, कुछ दिन बाद फिर यहाँ पर बालू भी लोड होता है। बालू गिट्टी दोनों यहाँ से बाहर जाता है मालगाड़ी के द्वारा। आप देख सक रहे हैं किस तरह से जेसीबी के द्वारा यहाँ पे लोड किया जा रहा है। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद है। यह राजमहल आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है, यह झारखंड में पड़ता है और यहाँ का पिन कोड 816108 है। आप भी कभी आइए राजमहल, ये बहुत दार्शनिक जगह है। आप ऊपर देखिए, इलेक्ट्रिक के द्वारा यहाँ पे ट्रेन चलती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन बिछा दिया गया है मालगाड़ी के लिए और ट्रेन के लिए भी। आप इधर से देखिए, दो जेसीबी द्वारा मालगाड़ी को भरा जा रहा है। मैं इधर से भी आपको वीडियो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इधर से भी मालगाड़ी को लोड किया जा रहा है। ये सारा गिट्टी राजमहल से बाहर जाएगा दूसरे राज्य में। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ से ऑर्डर आने के बाद मालगाड़ी के द्वारा यहाँ पे गिट्टी लोड करके दूसरे राज्य में भेजा जाता है। आप यहाँ T8 पैसेंजर को भी देख सकते हैं कि
ये ट्रेन यहाँ से खुलकर चली गई थी इंपार जंक्शन के लिए। आप यहाँ जो देख रहे हैं राजमहल का बोर्ड है ये, और ये हमारा रेलवे स्टेशन है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखाने का मैं प्रयास करूँगा, और अभी मैं कुछ दिन के बाद पटना जाऊँगा। पटना में बहुत सारा ब्लॉग मुझे बनाना है, और पटना के बाद एक महीना के बाद हम लोग का यहाँ से बस खुलता है गंगा सागर के लिए। मैं गंगा सागर जाऊँगा और वहाँ आपको गंगा सागर का दृश्य दिखाऊँगा। और वहाँ पे गंगा सागर में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को मायापुर पड़ता है ट्रिप में, तारापीठ पड़ता है, दक्षिणेश्वरी काली माँ का मंदिर पड़ता है, और भी बहुत सारे जगह घूमने का पड़ता है। मेरे भैया बस निकालते हैं, उनके साथ भी मैं बहुत जल्द ही ब्लॉग बनाने वाला हूँ। आपको कहाँ कहाँ घुमाया जाता है बताया जाएगा मेरे भैया के द्वारा। और ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कुछ दिन के बाद दक्षिण भारत का भी प्रोग्राम है, और उसके बाद फिर वैष्णो देवी हम लोग जाएंगे, नेपाल भी जाते हैं, दार्जिलिंग भी जाते हैं। तो एक परफेक्ट मैं आपको वीडियो बना करके देने का प्रयास करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।